देहरादून से एयरलिफ्ट करके मुंबई शिफ्ट किएगा ऋषभ पंत, जानिए क्या है उनकी ताजा हेल्थ अपडेट। दोस्तों दिल्ली से अपने साथ रुल के जाते हुए कार हादसे का शिकार हुए ऋषभ पंत की जान बच गई है, लेकिन स्टार क्रिकेटर को बहुत गंभीर चोट आई है, लेकिन अब देहरादून से ऋषभ पंत को अब मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है, आगे का उपचार अब वहीं पर किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि 30 दिसंबर को ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों ऋषभ पंत अपनी माँ से मिलने के लिए जब दिल्ली से रुल के जा रहे थे तब उनकी कार NH 58 पर डिवाइडर से टकरा गई थी और आग लग गई थी। दोस्तों पंत इस दुर्घटना में बाल बाल बचे, लेकिन उनके घुटने और टखने के लिगामेंट पर चोट आ गई। अब उनके इलाज के लिए उन्हें देहरादून के अस्पताल से मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने बुधवार को कहा कि स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत लिगामेंट की चोट की सर्जरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके कारण वह अनिश्चित काल के लिए प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। दोस्तों BCCI सचिव जय शाह ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि ऋषभ पंत को देहरादून के एक अस्पताल से एयर एम्बुलेंस से मुंबई में लाया गया है, जहां घुटने और टखने के लिगामेंट की चोट के लिए उनका व्यापक उपचार होगा। दोस्तों सूत्रों के अनुसार उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दाखिला कराया गया है। क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें एयर एम्बुलेंस से मुंबई लाने का फैसला किया क्योंकि वह आम उड़ान से यात्रा की स्थिति में नहीं थे। दोस्तों मशहूर खेल ऑर्थोपेडिक सर्जन दिनसा पर्डीवाला उनका इलाज करेंगे। दोस्तों पंत उस हादसे में बाल बाल बच गए जब पंत दिल्ली से अपने शहर उड़के जा रहे थे। दोस्तों BCCI ने पंत को एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाने का फैसला किया क्योंकि वह किसी व्यवसायिक एयरलाइंस से उड़ान भरने की स्थिति में नहीं थे। दोस्तों BCCI की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में शाह ने 30 दिसंबर को एक कार दुर्घटना के बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों देहरादून में इलाज करा रहे ऋषभ पंत को अब एयर एम्बुलेंस से मुंबई लाया गया है। उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में भर्ती कराया गया है और अस्पताल से सेंटर फॉर्म स्पोर्ट मेडिसिन के प्रमुख और आर्थोस्कोपी एंड शोल्डर सर्विस के निदेशक डॉक्टर दिनसा पर्दीवाला की सीधी निगरानी में उनका इलाज होगा। दोस्तों ऋषभ पंत के लिगामेंट की चोट के लिए सर्जरी होगा और उन्हें बाद में प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। दोस्तों उसके बाद उभरने और रिहैबिलिटेशन के दौरान BCCI की चिकित्सा टीम उनका ध्यान रखेगी। दोस्तों बोर्ड ऋषभ पंत की उभरने की प्रतिक्रिया में सहायता और तेजी से लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और इस अवधि के दौरान उनके सारे संभव प्रयास प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि ऋषभ पंत के माथे पर चोट के निशान थे, पीठ में गंभीर चोट के साथ साथ उनके घुटने और टखने में भी चोट आई। अधिकांश चोटें हल्की थे लेकिन उनके टखने और घुटने की चोट चिंताजनक है। हालांकि BCCI से केंद्रीय अनुबंधित क्रिकेटर होने के कारण उनकी चोट का इलाज बोर्ड का विशेषाधिकार है। उनके घायल घुटने और टखने का MRI नहीं किया जा सका क्योंकि उनकी काफी चोटों पर सूजन है। दोस्तों हालांकि यह समस्या ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। दोस्तों केंद्रीय अनुबंधन क्रिकेटर के लिए किसी खेल संबंधी चोट का उपचार BCCI के तय डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा और डॉक्टर नितिन पटेल के नेतृत्व में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में खेल और चिकित्सा विज्ञान टीम की देखरेख में रिहैबिलिटेशन होगा। पंत अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला और लुभावनी इंटर प्रीमियर लीग में नहीं खेल पाएंगे।